नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल में। आप तस्वीर देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की। ये एम्बुलेंस है और इसी में एक महिला जो है प्रसव के लिए यहां पर पहुंची थी और तकरीबन 20 मिनट से वो तड़पती रही और ये इसी गाड़ी में डिलीवरी हुआ है। और DC महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे। और जो सिविल सर्जन है वो भी देखिए गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं। लेकिन सिविल सर्जन के जाने के बाद भी 15 मिनट बीत गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना व्हील चेयर आया ना स्ट्रेचर आया जिससे कि इनको ले जाया जा। इस वक्त हमारे साथ वही एम्बुलेंस चालक मौजूद हैं जो यहाँ पर महिला को प्रसव के लिए पहुँचे थे लेकर। लेकिन क्या कुछ हुआ है इनसे ही हम जानते हैं। कितना देर इंतज़ार करना पड़ा था और आखिर गाड़ी में ही क्यों प्रसव? सर, हम लोग तो सही समय पे ले आए थे ऐसे जाम की वजह से, लेकिन यहाँ पर भी देखे जब बच्चा हो जाने के बाद भी DC आने के बाद भी 15-20 मिनट तक इंतज़ार करवाए। तब कि जब इतना हिम्मत है प्रशासन का कि सब उतना बड़ा अधिकारी आने पे जब कोई व्यवस्था नहीं है, तो जब नहीं रहते हैं उतना बड़ा अधिकारी या जब प्रेस वाला नहीं आते हैं, तब सोचे क्या करते होंगे ये लोग। एक और दिन अगर आप लेकर के आते हैं तो कितना वक्त लगता है, क्या स्ट्रेचर मिल पाता? नहीं सर, कभी नहीं मिल पाता। ये ठेस लगाता है, जाओ उसके पास इसके पास, कोई आदमी नहीं आता है। मरीज का आधा घंटा लग जाता है सर, यहाँ वहाँ भगवाता है सबको। मजबूरी में हम ही लोग ड्राइवर लोग धर धुरा के अंदर कर देते हैं सर, किसी तरह ले जा सके ऐसा ही होता है सर। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एकदम वहाँ घटिया रिस्पॉन्स होता है। इतना खराब होता है कि हम लोग का भी आँख में आंसू आ जाता है। हम लोग बोलते हैं क्या जमाना आ गया बताइए, जो काम के लिए है भी वो भी काम के लिए नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत है। मेरा नाम सिकंदर लोहरा है सर, एम्बुलेंस सर अब ESI से लेकर आए हुए थे, एम्बुलेंस ड्राइवर है। परिजन काफ़ी परेशान हैं, तो यही व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर राजधानी रांची की है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से और किस तरह से लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो ये तस्वीर राजधानी रांची के सदर अस्पताल की है जहाँ स्ट्रेचर के लिए लोग तड़पते रहते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची।